हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा और जिला चंबा में बुधवार को पाए गए दो कोरोना संक्रमित लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसके अलावा सब्जी के जिन वाहनों में वे हिमाचल पहुंचे थे उनके चालकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। प्रदेश पुलिस महानिदेशक एसआर मर्डी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमित ये दोनों समाचार पत्र के जलंधर स्थित कार्यालय में उप संपादक के पद पर कार्यरत हैं, जिसमें से एक कांगड़ा के ज्वाली और दूसरा चंबा के भटियात उपमंडल का रहने वाला है। एसआर मर्डी ने महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला सहित विश्व की महान विभूतियों का उदाहरण देते हुए लॉकडाउन के दौरान उनके आदर्शों और अनुभवों से सीखने व आत्ममंथन करने की सभी को सलाह दी। मुझे बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में दो और कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस निकले हैं। कुल मिला के इस वक्त अस्पताल में 18 लोग उपचाराधीन हैं। हिमाचल में कुल मिला के 35 केसेस हुए हैं। जो कल दो केसेस हुए हैं दोनों पंजाब केसरी का दफ्तर जलंधर में स्थित में काम कर रहे थे और उनमें से एक सब एडिटर ज्वाली सब डिवीजन में रहने वाला है और दूसरा जो क्लर्क जो पटियाट सब डिवीजन चंबा में रहने वाला है, ये पहले से ही क्वारंटाइन में था। जो पंजाब केसरी के सब एडिटर्स दोनों जो सब्जी के ट्रक से बैठकर हिमाचल के अंदर आए अपने घर चले गए, इन दोनों के ऊपर हमने एफआईआर दर्ज किया है और जो ड्राइवर्स इनको लेके आए हैं इनको भी इन्हीं एफआईआर में मुलजिम बनाया जाएगा। और मैं एक चेतावनी तमाम ड्राइवर्स को देना चाहता हूं जो एसेंशियल कमोडिटीज में इन्वॉल्व हो या जो कार्गो ट्रैफिक में इन्वॉल्व हो, ये अगर किसी दूसरे राज्य से व्यक्ति को अंदर लाने का प्रयास करेंगे उनके ऊपर एफआईआर होगा और जो अंदर आने का प्रयास करेगा उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए ये भारत सरकार का आदेश का सब पालना करे। प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया है कि जो जहां है वहीं रहे और किसी भी राज्य इस वक्त इंटरस्टेट मूवमेंट नहीं कर रहा है, ये भारत सरकार का कानून भी है। और इसलिए जो बेहतर आपको ये होगा कि सोशल मीडिया में हर कुछ लिखना या हर किसी को टेलीफोन करने से बेहतर है आप जो समाधान ई पोर्टल है भारत सरकार का, इसमें आप अनुरोध कर सकते हैं, अपना सुझाव भी दे सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लॉकडाउन पीरियड हमारे लिए आत्ममंथन करने का एक सुनहरा मौका दिया है। मैंने कहा था कि नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहते बहुत डिवाइन क्वालिटीज डेवलप किए, वो जेलर्स को माफ कर सके और एक कंटेंटेड लाइफ जी सके। और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने भी कहा है, यू बी द चेंज विच यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने भी कहा कि विश्व शांति के लिए हर एक इंसान में बदलाव आना है। ये बहुत मुश्किल है लेकिन इसके बिना कोई ऑप्शन भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।